नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत के विषय में मोटी मोटी जानकारियाँ हासिल की। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम आरावली पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मालवा के पठार के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर आरावली पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। आरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर नामक स्थान से लेकर दिल्ली के मजनू हिल पहाड़ी तक विस्तृत है। आरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तृत हैं। आरावली की अधिकतम लंबाई राजस्थान में देखने को मिलती है। आप देख सकते होंगे ये राजस्थान है जहां पर आरावली की अधिकतम लंबाई देखने को मिलती है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आरावली को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जरगा पहाड़ी किस नाम से जाना जाता है? तो आरावली के दक्षिणी हिस्से को राजस्थान में जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और दिल्ली के पास आरावली को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिण में आरावली को जरगा पहाड़ी और दिल्ली के पास इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। आरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। आरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। यहाँ पर माउंट आबू में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल दिलवाड़ा जैन तीर्थ स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, आरावली दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। आरावली को दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कहा जाता है। यह पहले बहुत ही विशालकाय पर्वत था, लेकिन समय के साथ इस पर घिसाव हुआ और यह अत्यधिक विघटित हो गया है। राजस्थान के आरावली पर्वत के पश्चिम से एक नदी निकलती है, बनास नदी, जो आरावली पर्वत को बीच से काटकर चंबल नदी में आकर मिल जाती है। तो ये हमने बात करी आरावली पर्वत के विषय में। इतनी ही बातें इसके बारे में इम्पोर्टेंट थी। आइए अब जानते हैं मालवा के पठार के विषय में। मालवा का पठार आरावली और विंध्यांचल रेंज मालवा का पठार आरावली और विंध्यांचल पर्वत के मध्य है। मालवा के पठार का ढाल
उत्तर की तरफ है। कल जब हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। अतः मालवा के पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ जैसे चंबल, काली सिंध, बेतवा, छिप्रा आदि नदियों का ढाल उत्तर की तरफ है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के शांत लावा से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के शांत लावा से हुआ है, जो टूट टूट कर काली मिट्टी का रूप ले चुका है। यही कारण है कि मालवा के पठार पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती थीं, जो टूट टूट कर वर्तमान में काली मिट्टी के रूप में दिखाई देती हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियों में मालवा पठार को चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा के पठार को अत्यधिक अपर्दित कर दिया है, जिससे यहाँ गहरे गहरे खड्ड पाए जाते हैं। जिसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालवा का पठार यहीं तक था। धन्यवाद।